हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज मैं दोबारा फिर से आप लोग के पास हाजिर हूँ मेसो हॉल लेकर के। तो आज मैंने बैंगल्स, ब्रेसलेट्स और पायल, नेक पीस, बहुत सारे चीज़ 7-8 आइटम्स मैंने परचेज किए हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से रिसीव हुआ है और कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इयर रिंग, मैंने सिल्वर कलर में मंगाए थे और ये इसी तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है। गाइज, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और इसकी इसमें 3 झुमके दिए गए हैं। और देखिए इसकी जो शेप है, इसकी जो बनावट है, इसके अंदर जो एक एक जो ये झुमके दिए गए हैं पर्ल्स ड्रॉप्स के तरह से, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसे ही देख के मैंने मंगाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ये आएगा। फ्रेंड्स देखिए ये कैसे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर आप इसे वेयर करते हो तो आपको नेक में कुछ भी वेयर करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हेवी लुक दे रहा है। और बहुत ज़्यादा माने कि हेवी नहीं है, आप इसे हमेशा माने आप इसे पहन सकते हो अच्छे से लुक क्रिएट करने के लिए कोई भी पार्टी फंक्शन में। और ये है मेरा एक और इयर रिंग फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल इयर रिंग है और ये किसी भी तरह के बॉक्स में नहीं आया था, ये इसी तरह से बबल रैप हो करके आया था। और आप इसे शादी फंक्शन में भी पहन सकते हो हेवी साड़ी के। फ्रेंड्स देखें ये कितनी खूबसूरत है। और इसमें एक खासियत ये भी है कि आप जब भी चाहो इसे आप अलग सेपरेट कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ इसे ही वेयर कर सकते हो सिंगल। ये भी काफ़ी हेवी लगता है, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपने लाइट वेट वेयर किया हुआ है, लेकिन जब आपको और भी हेवी लुक करना होगा तो आप इसे अटैच कर सकते हैं। मैं इसे अलग अलग करके भी दिखा देती हूँ आप लोग को। देखिए ये बिल्कुल अलग हो जाता है। इसे आप इसे चाहो तो और भी इयर रिंग में लगा करके पहन सकते हो, अगर आपके पास और भी हेवी इयर रिंग है पर्ल्स वाले हैं, क्योंकि इसमें पर्ल्स की डिटेलिंग दी गई है। इसलिए अगर आप इसे किसी भी पर्ल्स वाले जिसमें गोल्डन हो, सिल्वर ना हो, गोल्ड के साथ ही अच्छा से जाएगा, तो आप उसके साथ भी इसे वेयर कर सकते हो। तो चलिए इसे वेयर करके देख लेते हैं। तो मैं इसे आपको दोनों तरह से वेयर करके दिखा देती हूँ। पहले हम इसे सिंगल वेयर करेंगे। देखिए मुझे तो बहुत ही ये पसंद आया, आपको पसंद आया कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए इसका नेक्स्ट लुक भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं किस तरह दिख रही है, और इसमें यहाँ साइड साइड से जो झुमके लटक रहे हैं ये लुक को और भी ज़्यादा हेवी कर देते हैं। और फ्रेंड्स इसमें स्टोन की भी डिटेलिंग दी गई है, इसमें स्टोन भी है, पर्ल्स भी है, काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स। और इसमें जो झुमके दिए गए हैं ना, नीचे ऊपर करके, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर आप इसे खुले बालों में करोगे, बन के साथ अगर आप इसे स्टाइलिंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड आइटम की तरफ। और देखिए ये पायल है, मैंने इसे एक बार वेयर किया था इसलिए यहाँ से ये एक झुमके है जो हट गई है, बाकी आया बहुत ही अच्छा था, ऐसा नहीं था कि यहाँ से एक खाली था। ये साड़ी वगैरह में फंस के गिर गए हैं। अब इसमें वाइट मोती के साथ इसका वर्क किया गया है, एक लाइन स्टोन दिया गया है और एक लाइन वाइट मोती से वर्क किया गया है, और काफ़ी मजबूती के साथ है ये। और इसे देखते हैं, इसके बैक से भी इसे देख लेते हैं। देखिए इसकी बैक साइड से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी बंधी हुई है ये, और ये प्लास्टिक से बंधी हुई है, कहीं से भी आपके माने कि पर्ल्स या स्टोन है जो नहीं निकलने वाले हैं। और ये पैर में जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसे मैं हाथों पर ही बांध के दिखा रही हूँ।
आप अगर चाहे तो इसे हैंड में भी वेयर कर सकते हो ब्रेसलेट बना करके। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये पायल दिख रहा है, पायल के रूप में हम अगर हम इसे खरीदे हैं तो पायल ही पहने, ऐसा कुछ नहीं। इसे टू इन वन भी यूज कर सकते हैं। इसे नेक में देख लेते हैं लगा के, और इसे अपने नेक में भी वेयर कर सकते हैं। देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, 3 in 1 वर्क कर रहा है। पायल भी है, ब्रेसलेट के भी रूप में इसे यूज कर सकते हो और नेकपेस भी। कोई नहीं बोलेगा फ्रेंड्स इसे कि हाँ ये पायल है। चलिए देख लेते हैं, ये मेरा फोर्थ आइटम है। और क्या आप बता सकते हो कि इसमें छोटे से में क्या हो सकता है? और ये मुझे इसी तरह से रिसीव हुआ था, बबल रैप कर हो करके आया था, कोई भी बॉक्स में नहीं मिला था। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये मांग का टीका है और इसमें 5 ब्लडी दिए गए हैं। और ये मोतियों का है और यहाँ पे स्टोन है। देखिए अब मैं इसे दिखाती हूँ बहन, देखिए कैसा लग रहा है। मुझे पता है कि ये मांग के टीका इस ड्रेस के साथ नहीं जा रहा है, बट मैंने सिर्फ आप लोगों को ये लुक दिखाया है। इसे अगर प्रॉपर ड्रेस के साथ वेयर करते हैं, मेकअप के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें एक खासियत और है कि अभी जो मांग टीका मार्केट में आया हुआ है, वो एक वन साइडेड भी आया हुआ है। इसे अगर हम लोग चाहे तो वन साइडेड भी वेयर कर सकते हैं। तो जब मैं मेकअप लुक अपलोड करूँगी न्यू कुछ भी, तो उसमें मैं इस तरह से आप लोगों को ज़रूर बना करके दिखाऊंगी इसी मांग टीका के से, कि किस तरह से हम इसे अलग अलग तरीक़ा से वेयर कर सकते हैं। और मैं सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये एक ब्रेसलेट मैंने मंगाया है और इसी तरह से बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार मन की चूड़ी ही पहने, कभी कुछ चेंज करके पहनना चाहिए। आप देखिए अगर हम अपने कानों में सिल्वर कलर के कुछ वेयर करते हैं, सिल्वर ईयरिंग, तो अगर हाथों में भी सिल्वर पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिल्वर सिल्वर सब बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये जिस पैटर्न में बना हुआ है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 लेयर्स दिए गए हैं, लेकिन सब आपस में अलग है। देखिए यहाँ अगर मोती दिया गया है तो इसके साथ इधर साइड में एक स्प्रिंग दिए गए हैं, फिर यहाँ स्प्रिंग है और इसमें मोती है, मोती की डिटेलिंग की गई है, फिर यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इधर मोती है। और इसमें काफ़ी साइन है फ्रेंड्स। और इसकी झुमकी भी देखिए काफ़ी बड़े 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 हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये इतनी मैंने इतनी खूबसूरत होगी और इतनी बड़ी बड़ी आएगी, लेकिन जैसे ही आई ना मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत पसंद आया ये। और इसमें देखिए एक बड़ी, उससे छोटी, इस तरह से होते हुए जा रही है। इसकी शेप प्रॉपर मने आ रही है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसे पहन के, इसे पहनना किस तरह से है। इस तरह से राउंड राउंड करते हुए पहनेंगे। देखिए कैसा लग रहा है। अब आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। तरह से कुछ आवाज भी करता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये एक और ब्रेसलेट है और ये गोल्डन कलर का है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। और ये इसी तरह से बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था, देखिए। और ये कलरफुल है, आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी मीशो के प्रोडक्ट लिए हैं अभी मुझे डैमेज कुछ भी नहीं मिला है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से पैक होके आई थी और बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरे के पूरे गोल्डन है और इस गोल्डन में भी एक साइन है, बहुत ही खूबसूरत साइन है, आप देख सकते हो। और ये पूरे गोल्डन होने के साथ साथ इसके नीचे जितने भी कलरफुल बीट्स दिए गए हैं, यही इस लुक को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सिंपल एंड सोबर लुक आता है इससे।
और अगर आप अपने हेवी ड्रेस के साथ भी इसे पहनते हो तो अच्छा लगता है, सिंपल ड्रेस के साथ भी पहनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। और इसमें भी देखिए, इधर से साइड में ये इस तरह से खुला हुआ है, आप आराम से इसे पहन सकते हैं। और ये अंदर से भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है, ऐसा नहीं लगेगा कहीं से भी आपको ड्रेस वगैरह में चुभ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आपको ड्रेस में चुभने वाला नहीं है। आप देखो, मैं ऐसे दिखाती हूँ, ड्रेस में नहीं चुभेगा ये, कहीं से भी ड्रेस में आपका नहीं चुभ रहा है। जिसे ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर इसे टाइट करके पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए, तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है ये, और मेरी पसंद कैसे लगी आप लोगों को। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए, और मैं अच्छे अच्छे चीज़ परचेज करके लाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए देख लेते हैं कि मेसो से हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं या ख़ुद के लिए परचेजिंग कर सकते हैं। ये मैंने मेसो ऐप ओपन कर लिया, अब हम अकाउंट में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इंटर रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा, उसे सबमिट कर ले और होम पेज पे आ जाएं। अब मैंने बेसलिस्ट से एक नेकलेस सेलेक्ट किया है जो मुझे मंगाना है। इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं और सबके प्राइस अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। अब हम होम पेज पे वापस जाएंगे और कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सर्च बाई इमेज का ऑप्शन मिलेगा और हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जितने भी सेलर हैं जो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं सब निकल के आ जाएंगे, अलग अलग रेटिंग और अलग अलग प्राइस के साथ। इसमें जो सबसे कम प्राइस की हो और जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी हो आप उसे ही सेलेक्ट करें। जहाँ यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ, इसके बाद हम इसे ऐड टू कार्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैं COD सेलेक्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो अदर ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हैं तो आपको इसमें अपने मार्जिन ऐड करने होंगे, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जितने में आप सेल कर सको मार्जिन ऐड कर लो। मैं यहाँ खुद के लिए ले रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे एड्रेस डालें और प्रोसीड करें, फिर फाइनली अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। अब बच गए हमारे 2 आइटम, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। और ये है हमारा नेक पीस, और ये इसी तरह से पॉलिथीन में ही आया था बबल रैप हो करके। तो चलिए देख लेते हैं कैसा है। ये ऑक्सीडाइज है और आप देखो कैसे लग रही है। और ये इतनी खूबसूरत है ना, इसकी आप ये देखो ये कितनी अच्छी है। अब अगर ये इतनी फैली है तो इस तरह से दिख रही है, अगर इस ये तो नेक में इस तरह से जाएगी ना, तो आप देखो देखिए इसकी जो शेप बन रही है ना, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और बिल्कुल जाल के टाइप में इसका शेप है, जाल और एक एक मोती जैसा दिख रहा है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसकी डिटेलिंग देखो आप, इसके अंदर जो वर्क हुआ है ना, एकदम राजा महाराजा वाले लुक दे रहा है। स्टेटमेंट ज्वेलरी की तरह वर्क करता है, बस इसे आप अच्छे से वेयर करो। इसके अंदर की डिटेलिंग भी देखो, यहाँ बर्ड्स बनी हुई हैं और फ्लावर्स भी बने हुए हैं। और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे भी देखिए ये चौला है, ऊपर से धीरे धीरे ये पतला होते हुए जाता है। अगर आप इसे व्हाइट शर्ट पर भी वेयर करते हो ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कॉलर नेक वाले ड्रेस पर भी ये बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसे वेयर करके दिखाते हैं। यहाँ पे 3 लेयर से एक चैन दी गई है, नहीं है कि नीचे हेवी है तो ऊपर, मैंने आपको इतना लाइट वेट दिया गया है कि ये टूट सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी इतना लाइट वेट नहीं है कि ये चैन। और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा कैमरा फ़ोन को डाउन कर रही हूँ। अब आप देखो कैसा लग रहा है। और मैं इसे वेयर करके इंस्टाग्राम पर पिक भी लगाऊँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो नए नए पिक वगैरह देखने के लिए, मैं वहाँ अपलोड करते रहती हूँ। जल्दी से आप लोग सब मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ कुछ अच्छे अच्छे स्टाइलिंग टिप्स वगैरह देखने के लिए। अब एक और नेक पीस है और ये लास्ट है,
इस हॉल का लास्ट है, और ये इस तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। देख, मैंने जब इसका पिक देखा था तो मुझे ये बहुत चीप जैसा लग रहा था कि नहीं इतने अच्छे नहीं होंगे, और इसके जो पर्ल्स होंगे वो ऐसा लग रहा था कि वाइट मोती के ऊपर में पॉलिश किया गया होगा और वो निकल जाएगा। इसलिए मैंने इसे बहुत दिन तक ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैंने देखे थे बहुत लोगों को, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि इसका माने मोती कैसा है, इसका कलर जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए मैं डाउट में थी, इसलिए मैं इसे परचेज नहीं कर रही थी। और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और ये इतनी खूबसूरत आई ना, इतनी खूबसूरत आई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और इसकी मोती जो है कहीं से भी कलर जाने वाली नहीं है, बिल्कुल भी जो भी कलर नहीं मोती है ना, जाएगी। कलर नहीं जाने वाली है, बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगी, माने ओरिजिनल भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि पॉलिश है, ये पॉलिश भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो देख, मैं आपको दिखा, इसमें जो स्टोन भी दिए गए हैं ये भी बहुत बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंट है, साइन भी बहुत करते हैं, और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। यहाँ पे एक पर्ल्स, अगर आप चाहे तो इसे रख सकते हैं, नहीं तो ये हुक गया है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हो अगर आपको जैसा लुक चाहिए। आप इसे पीछे से भी देख सकते हैं, इतने अच्छे से लगाया गया है, स्टोन नहीं निकलेगा। और इस मोती में भी देखिए, यहाँ पे धागे भी बहुत अच्छे से हैं, पता नहीं कैमरा में आप लोग को उतना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये देखिए, अब दिखा, देखिए बहुत ही अच्छे मोटा माने कि प्लास्टिक से इसे बनाया गया है, आपका नहीं निकलने वाला नहीं है ये। तो चलिए इसे देख लेते हैं पहन के, इसे साड़ी वगैरह पे वेयर करते तो बहुत ही खूबसूरत लगता। मैं जब मेकअप लुक क्रिएट करूँगी तो आपको ज़रूर देखने मिलेगा। मेकअप लुक को देखने के लिए भी आप बने रहिए हमारे चैनल पे, आप लोगों के साथ एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। देखिए देखिए कितनी लॉन्ग है, इतनी अच्छी लग रही है ना, और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, एकदम इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, सिर्फ मीशो पे ही मिल सकता है आपको। अभी तक तो मुझे कहीं नहीं मिला, मार्केट में भी नहीं मिला। चलिए अब इसके साथ ईयरिंग भी आए हैं, उसे भी देख लेते हैं। और इसके ईयरिंग भी बहुत खूबसूरत हैं और छोटे नहीं हैं। देखो इसमें जो ये पत्ती पत्ती बनी हुई है ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही, बहुत ही खूबसूरत। आपको इनमें से कौन सा ज्वेलरी सबसे ज़्यादा पसंद आया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कुछ और भी ज्वेलरी है देखना है तो आप मुझे बता सकते हो, आपको कौन सा ज्वेलरी देखना है तो मैं उसे ज़रूर परचेज करके आप लोग के लिए बनाऊंगी कि कैसा है कैसा नहीं है, एक एक बात मैं अच्छे से बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना। हो सकता है कि अभी अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे पता है कि मैंने भी फर्स्ट वीडियो में उतने अच्छे से आप लोग को डिटेल में नहीं बताई थी, इसलिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे 3 डिसलाइक दे दिए हैं। लेकिन समझना चाहिए कि कोई बच्चा पैदा होते ही इतना जल्दी दौड़ने नहीं लगता है, तो होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपनी गलती सुधार लूँगी। लेकिन जो लाइक करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, जो डिसलाइक करते हैं उनको और भी ज़्यादा थैंक यू। लेकिन यार मुझे बताओ, मुझे पता है कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन हो जाता है ना यार। चलो ठीक है, आप लोग मुझे बता दिया करना कि हाँ मैंने क्या क्या मिस किया है, तो मैं अपने वीडियो क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करूँगी। तो वो कैसे होगा, आप लोग बताओगे तभी तो होगा ना। अब मुझे अकेले को जितना समझ में आता है मैं करती हूँ, आप लोग के लिए ही करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर मुझे बताओगे कि कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो मैं उसे ज़रूर ठीक आज के करूँगी। हॉल यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैंने जितने भी ज्वेलरी थे सारे आप लोगों को दिखा दिए हैं, और ये मेसो पे लिंक नहीं होता है, कोड्स होता है, तो मैं सारे के सारे कोड, जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं सबके कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग को अगर जो भी मनी ज्वेलरी पसंद हो आप वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग के पास मेसो ऐप डाउनलोड है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप मेरे लिंक के थ्रू मेसो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
आपके फर्स्ट ऑर्डर पे तो आपको डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन अगर आप मेरे रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फिर चलिए, आपको मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, और आप लोग मेरे मेकअप वीडियो को भी देखा करो। बाय बाय।